तो फाइनली सैमसंग A52s 5G के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है इंडिया में। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, सब कुछ मैं डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक 90 लाइक, आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अपडेट फाइल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 239 MB का अपडेट है। जुलाई 2022 का हमें सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और इस अपडेट के अंदर सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही सैमसंग के स्टॉक एप्लीकेशंस को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आप सैमसंग A52s 5G डिवाइस यूज करते हैं तो सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही कुछ बग्स भी आ रहे थे इस अपडेट के अंदर, जो कि One UI 4.1 अपडेट के साथ ही कुछ बग्स आ रहे थे, तो उनको सैमसंग अपडेट्स के थ्रू फिक्स कर रहा था। तो इस अपडेट में भी कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।